नया IBN 7 हौसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो को लंदन में कश्मीर पर मिलियन मार्च के दौरान लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। पहले ये विजुअल्स देखिए। बिलावल भुट्टो के लिए बेहद शर्मनाक था। पाकिस्तान समर्थक ग्रुप की तरफ से आयोजित इस मार्च में जैसे ही बिलावल मंच पर बोलने के लिए चढ़ने वाले थे, उसी दौरान लोगों ने उन पर खाली बोतलें फेंकी, टमाटर फेंके, अंडे फेंके, जूते भी फेंके और गो बिलावल गो के नारे लगाए। कश्मीर के नाम पर बिलावल भुट्टो इकट्ठा कर रहे थे लोगों को और उनके सूरत पे आप देखेंगे कि किस तरह से वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहां उन्होंने पढ़ाई की है लंदन में, उनको लगा कि वो समझते हैं इस शहर को, लेकिन पाकिस्तानियों ने ही कश्मीर के नाम पर वो लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानियों ने ही उनके रैली के ऊपर जूते भी फेंके हैं और खाली बोतलें भी फेंकी हैं। स्थिति को बिगड़ते हुए देखते हुए पुलिस ने मंच को घेर लिया और बिलावल भुट्टो को सुरक्षित वहां से निकाल कर ले जाना पड़ा। विरोध करने वालों का कहना था कि मार्च कश्मीर के लोगों के कल्याण के लिए थी और यहां बिलावल अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेके। और आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं लंदन। हमारे संवाददाता संजय सूरी जिस वक्त ये सब हो रहा था वहीं थे। संजय, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि बिलावल की इस रैली में हुआ क्या था। शुरुआत तो वही भाषणों से हुई। भाषण भी क्या, गाली गलौज कही है, भारतीय ये है तो वो है। मुसीबत तब आई जबकि बिलावल भुट्टो मंच पर आए, खूब लोगों को सलामी दी, मुस्कुराए, लेकिन उनका मंच पर आना बहुतों को अच्छा नहीं लगा। उठा के बोतलें, कैन, सोटियां स्टेज पर बरसाने लगे। उधर बिलावल के आदमियों ने इन्हीं चीजों को उठाकर वापस भीड़ में फेंकना शुरू कर दिया। तो ये थी कश्मीर की बात या कश्मीर के नाम पर ये बातें। साफ हो गया कि ये जलसा कश्मीरियों का था ही नहीं। शुरू से पाकिस्तान की सरकार ने इसका इंतजाम किया, लोगों को इकट्ठा किया, किसी को यहाँ से, किसी को वहां से, सबको पहुंचाया गया यहाँ पर, जो भी राजी हुआ। और जब वो यहाँ आए तो किसी ने नवाज शरीफ के नारे लगाए, किसी ने भुट्टो के नारे लगाए, कश्मीर के नाम पर भी नारे लगे, लेकिन गंभीरता से कश्मीर की बात नहीं हुई। पाकिस्तानियों का जलसा था और पाकिस्तानियों का ही झगड़ा। एक और बात बताएं कि पाकिस्तान की संस्थाएं कश्मीर का मुद्दा लगातार उठाती रही हैं। अभी विजुअल्स में भी हम देख रहे हैं कि उनको क्या ये एक बहुत बड़ा झटका नहीं है कि जिस तरह से कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन बिलावल के मंच पर आते ही और फिर वहां पर एक जबरदस्त भाषण उनकी तैयारी थी कश्मीर को लेकर वो दें, लेकिन जिस तरह से लोगों ने उनका विरोध किया, उनको स्टेज छोड़कर भागना पड़ा। ये जो पाकिस्तानी संस्थाएं कश्मीर की बात उठाती है, उन्हें काफी झटका लगा है। वो चाहते थे कि ब्रिटेन की सरकार, यूरोप की सरकारों का ध्यान इस मसले पर पड़े, कश्मीर पर पड़े, और ध्यान पड़ा तो इस बात पर कि कहाँ झगड़ा उठा, किसने क्या फेंका, स्टेज पर क्या लड़ाई चल रही थी, ग्राउंड में क्या हाथापाई चल रही थी। तो ऐसे नाटक के बाद राजनीतिक गंभीरता कहाँ रह जाती है। संभव है कि नतीजा ऑर्गेनाइजर्स के लिए उल्टा ही निकले। एक तो उन्होंने यह पर्दा हटा दिया कि ये कश्मीरी बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तानी, और दूसरा एक नुमाइश कर दिखाई कि पाकिस्तानी पार्टियां अपने किस्सों में ऐसी उलझी हुई हैं कि कश्मीरियों को किसने पूछना है। संजय सूरी पहले बात कर रहे थे मुझसे और बता रहे थे कि लंदन में हुआ कैसे, किस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी को मंच से भगा दिया गया, उन पर जूते और टमाटर फेंके गए, जबकि वो कश्मीर के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे।